एट द जू। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, क्योंकि लेसन नंबर वन में से आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, उसमें से हमने सिर्फ अपोजिट डाले हैं, आपने अपोजिट ही लिखने हैं उसमें से। तो लेसन नंबर टू से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर की रिविजन, जहाँ आगे लिखोगे आप रिविजन वर्क, कॉपी पे आगे लिख लोगे रिविजन वर्क लेसन नंबर टू एट द जू। वन पे हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई वर दीपक एंड रोहित हैप्पी। जो दीपक और रोहित थे वो हैप्पी क्यों थे, वो खुश क्यों थे। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश होना। दीपक और जो रोहित थे वो खुश क्यों थे, वो इसलिए खुश थे क्योंकि वो जू जा रहे थे, चिड़ियाघर जा रहे थे, इसलिए वो खुश थे। दे आर गोइंग टू जू, इसका हम लिखेंगे ई एच ई वाई दे ए आर ई आर जी ओ आई एन जी गोइंग टू जेड डब्लो यू। दे आर गोइंग टू यू, वो चिड़ियाघर जा रहे थे इसलिए वो खुश थे। आगे बेटा सेकंड क्वेश्चन है, हु लिव्ड इन द केज। केज मीन्स होता है पिंजरा, लिव्ड मीन्स रहता था, हु मीन्स कौन, पिंजरे में कौन रहता था, इन मीन्स विच, पिंजरे में इन मीन्स में, पिंजरे में कौन रहता था, कौन रहता था बेटा पिंजरे में, हमने जो लेसन पढ़ा था अ लायन एंड हिज फैमिली, कौन रहते थे पिंजरे में, अ लायन एंड हिज फैमिली ए एन डी एंड एच आई एस हिज एफ ए आई एफ ए एम आई एल वाई फैमिली। एक शेर रहता था और उसका परिवार रहता था पिंजरे में। नंबर थ्री क्वेश्चन है बेटा, विच एनिमल टुक देम अराउंड ऑन इट्स बैक। कौन सा जानवर जो था अपनी बैक पे अपनी पीठ के ऊपर बिठा के, देम मीन्स उनको, उनको मीन्स रोहित और दीपक को अपनी पीठ पे बिठा के ले जा रहा था, कौन सा जानवर था बेटा वो, एन एलिफेंट। कौन सा जानवर था जो उनको अपनी पीठ पे बिठा के इधर उधर ले जा रहा था, एन एलिफेंट। इसका लिखोगे आप एन एन ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट, एन एलिफेंट एक हाथी। हाँ जी बेटा, जी मैं रेस कर दूंगी अब। फोर्थ क्वेश्चन है, डिड द चिल्ड्रन फीस द एनिमल्स एट द जू। राइटर पूछ रहा है क्या जो चिड़ियाघर में बच्चे गए थे दीपक और रोहित, क्या उन्होंने एनिमल्स मीन्स जानवर, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, टीज मीन्स तंग करना, क्या उन्होंने जू मीन्स आ गया बेटा चिड़ियाघर, क्या बच्चों ने चिल्ड्रन दीपक और रोहित दोनों बच्चों ने चिड़ियाघर में जो जानवर थे उनको टीज किया था, तंग किया था या उनका मजाक वगैरह उड़ाया था। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, नो एंड नो नो। दूसरे लोग उड़ा रहे थे ऐसे मजाक, लेकिन उन दोनों बच्चों ने नहीं उड़ाया, इसलिए वो अच्छे बच्चे थे। हमें कभी भी किसी भी जानवर का या किसी भी मनुष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा, किसी को तंग नहीं करना चाहिए, किसी का फन नहीं मनाना चाहिए। इसलिए दीपक और रोहित अच्छे बच्चे थे, उन्होंने जानवरों का मजाक नहीं उड़ाया, दूसरे लोग उड़ा रहे थे। अब हम लेसन नंबर थर्ड की रिविजन करेंगे क्वेश्चन आंसर की। लेसन नंबर थ्री है बेटा, द प्रिंस एंड द मून। आपने जो स्टोरी पढ़ी हुई है ना प्रिंस और मून वाली, जो राजकुमार होता है राजा और रानी का, वो चाहता है कि वो कि उसको चांद मिल जाए, मून मिल जाए ना, चंदा मामा जो होता है उसको हम मून कहते हैं, वो मून लेना चाहता है। और उसकी जो मम्मी होती है वो खिड़की में बाउल रख के फिर जो मून की शेडो होता है उसमें आ जाता है और वो खुश हो जाता है देख के कि मुझे मून मिल गया, है ना। वो बड़ी स्टार स्टोरी है, उसमें से मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ बेटा। द
देखो ध्यान से, वेयर डिड द किंग एंड द क्वीन लिव? हाँ जी, जो राजा था और रानी थी वो कहाँ रहते थे? वो एक बहुत बड़े पैलेस में रहते थे ना, पैलेस में रहते थे, तो हम लिखेंगे इन अ ग्रैंड पैलेस, आई एन इन अ ग्रैंड, ग्रैंड होता है शानदार, जी आर ए एन डी, ग्रैंड पैलेस, पी ए एल ए सी ई, पैलेस, नीचे फुल स्टॉप आ जाएगा, इन अ ग्रैंड पैलेस. What did the prince want? जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो क्या चाहता था, क्या लेना चाहता था? What? Prince means राजकुमार. क्या लेना चाहता था बेटा वो? The moon. क्या चाहता था वो? Moon. Moon लेना चाहता था वो, चंद्रमा. जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मतलब जो चीज संभव हो, इम्पॉसिबल हो, वो मांगते हैं. इसलिए जो प्रिंस था वो भी मून मांग रहा था. व्हाट डिड हिज मदर डू? हाँ जी, उसकी मम्मी ने क्या किया था? जो प्रिंस था उसकी मम्मी ने क्या किया था ये बताएंगे हम. शी पुट द बाउल She put the bowl, B-O-W-L, bowl, in window. आप शॉर्टकट भी इसको लिख सकते हो, इन विंडो, W-I-N-D-O-W, विंडो. उसने जो बाउल था उसको कहाँ रख दिया? विंडो में रख दिया, खिड़की में रख दिया. आगे आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट कुड द प्रिंस सी इन द बाउल? जो प्रिंस था उसने जो बाउल था उसमें पानी डाला हुआ था ना, तो जो प्रिंस था उसने पानी में क्या देखा? जो बाउल में पानी था उसमें जो द मून था वो उसका शेडो आ गया था. इसमें हम लिखेंगे द मून, मतलब उसमें बाउल में, पानी वाले बाउल में द मून दिखाई दे रहा था, चंदा मामा, चंद्रमा दिखाई दे रहा था, द मून. ओके बेटा, थैंक यू. आपने अच्छे से इन क्वेश्चन आंसरों की, लेसन नंबर 2 और 3 के क्वेश्चन आंसरों की, सभी की रिवीजन कर लेनी है.